Dear student, welcome to the classes of the MD channel. We are studying accounting for partnership firm. Chapter is in fundamental partnership. Here in this question, concept headline, interest on partner's loan. Interest on partner's loan का जो sum है वो सबसे पहले मैं read out करती हूँ कि कौन सा sum जो है वो आज हम करने जा रहे हैं. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capital of 2 lakh and 3 lakh respectively on 1st October 2017. X and Y granted loan of ₹80,000 and ₹40,000 respectively to the firm. Show distributed of profit losses for the year. Year ended 31st March 2018 in each of the following alternative cases. इसमें क्या है, 4 cases दिए हुए हैं. जो हम आज method कर रहे हैं वो है interest on partner's loan. और इन्होंने क्या है, loan दिया हुआ है. Interest on loan जो है वो आपको निकालना है last year से लेकर current year 31st March 2018 का. हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके अंडर जितने भी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाकी जो भी चीज़ें बचती हैं, जो भी चीज़ें बाकी हैं, जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफ़र करके हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या है, हमारे बिजनेस का खर्चा है. जो एप्रोप्रिएशन होता है वो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाती है, सैलरी ऑफ पेएबल टू पार्टनर्स, कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी चार्जेबल है वो ये सब जो है वो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में आता है और बाकी सब जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आता है. केस फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. यहाँ पे हम लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले जो केस वन दिया हुआ है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, ये क्या होगा, हमारा बाय नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 21,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन यू है वो हमें कितना दिया हुआ है, एक्स ने फर्म को कितना दिया है, 80,000 और इंटरेस्ट जो हमें किया है गिवन नहीं है तो वो हम कितना लेते हैं, 6%. अक्टूबर 1st से लेकर 31st मार्च तक कितने ईयर्स बनते हैं हमारे, 6 मंथ. इनको सॉल्व करके हमारे पास कितनी अमाउंट आती है, 2400. फिर हम वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, 40,000, 6%, 6 मंथ, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1200. ये टोटल अमाउंट हमारी कितनी बन गई, 3600. 21,000 में से अगर हम 3600 निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास अमाउंट कितना आता है, 17,400 टू बैलेंस बर्डन. बाय बैलेंस बर्डन
400 आ गया हमारे पास 21,000 by balance written 7,400. My balance burden हमारे पास कितना आ गया 17,400. तो इसको हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर जो हमें स्टार्टिंग में रेशो दी हुई है 2:3, एक्स को हमने कितने में बांटना है, 17,400 2/5 में बटेगा, तो हमारे पास कितना आएगा 6,960. इसी तरह हम वाई को बांटेंगे 17,400 को 3/5 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 10,440. इन दोनों को टोटल करोगे तो हमारे पास 17,400 आएगा. नेक्स्ट चलते हैं केस टू. नेक्स्ट है हमारा केस टू. इसमें हम क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें लॉस दिया हुआ है. इन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट द ईयर अमाउंटेड टू 3,000 बाय नेट प्रॉफिट प्रदान 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स एक्स 80,000 6% 6 months 2,400 वाई का कितना था 40,000 6% 6 months 1,200 3,600 3,600 में से हम क्या करेंगे 3,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाय लॉस कितना 600 बाय लॉस ट्रांसफर करेंगे कैसे एक्स 600 केस थ्री में क्या दिया हुआ है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,000 हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5,000 नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का कितना है था 80,000 6% 6 months वाई का 40,000 6% 6 months 1,200 इनका टोटल हम लिखेंगे इधर और 5,000 में से 3,600 माइनस करेंगे बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया हमारे पास 1,400
1400, इनको टोटल करते हैं 5000, 5000। नेक्स्ट हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे, एक्स का 1400 रेशो कितनी दी हुई थी इनकी, 2/5, कितना आ जाएगा हमारा 560। वाई का 1400, 3/5, 840, इनको हम लिखेंगे 1400। एक्स रेशो वाई 2/3 बाय हमारा बैलेंस, बाय बैलेंस बर्डन कितना आ गया 1400। नेक्स्ट हम करते हैं केस फोर। इसमें हम क्या बनाएंगे, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, लॉसेस दिए हुए। तो सबसे पहले हमारा आएगा बाय बैलेंस प्रोडन कितना है 1400। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स 80,000, 6%, 6 month 2400। वाई का कितना है 40,000, 600, 6% 6 month 1200। ये हमारा टोटल कितना आ गया 3600। ये टोटल आ गया हमारा 5000। 5000 का हमारा क्या है, लॉस। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर कैसे करेंगे हम, बाय लॉस ट्रांसफर 5000। एक्स की रेशो कितनी थी 2/5, हमारे पास आ जाएगा 2000। वाई की एक्स वाई 3/5 3000। ये हमारा टोटल 5000। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।